ओके जी, ये पेपर था केमिस्ट्री का, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, अब यहाँ रेशो नहीं पूछा, सिर्फ पूछा किन दो चीज़ों का होता है, HCl और HNO3। फिर NH4 to SO4 सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ, तो जब भी ना लिटमस ब्लू से रेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई अगर रेड से ब्लू हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अब आगे और अच्छा कॉन्सेप्ट है, व्हेन सॉलिड इज चेंज टू गैस विदाउट मेल्टिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का अपोजिट प्रोसेस क्या होता है? सप्लीमेशन वैसे होगा इसका आंसर। सप्लीमेशन का अपोजिट डिपोजिशन, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन। खैर आंसर यहाँ पे ऑफकोर्स सप्लीमेशन हो जाएगा। P1V1 = P2V2 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मास इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इन गोल्ड प्लेटिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ, तो जनाब इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। इन एनी एक्सोथर्मिक हीट रिएक्शन, हीट क्या होती है, रिलीज, गैमा रेज हैव जीरो मास एंड जीरो चार्ज। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन शेयर अ जनरल फार्मूला ऑफ, तो आंसर हो जाएगा CnH2n। इसके बाद है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP इफ इट्स ग्राम मोलर मास ऑफ गैस प्रेजेंट टेम्परेचर 0°C। अब देखो इसको असूलन तो 22.4 आना चाहिए था, मगर मैंने उन्होंने जो ऑप्शन दिया था नियरेस्ट वो 25 लीटर दिया था, तो हम इसी को टिक किया था और वही उनकी आंसर की में आया था। अच्छा NAD में अच्छी बात ये होती है कि कभी ऑप्शन अगर रॉन्ग हो गए तो एक एक मार्क्स सबको अवॉर्ड कर देंगे। ब्रास इज एन अलाव ऑफ कॉपर एंड जिंक। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल और एन इज गिवन बाय 2n2। द प्रेशर एट विच 1 मोल ऑफ गैस एट 0°C ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर क्लोज टू। अब देखो अगर लीटर 22.4 होता है, एक टुक याद रखो, तो प्रेशर 1 होता है, लेकिन अगर लीटर 1 है तो प्रेशर 22.4 हो जाएगा। वही PV = NRD लगाने हमने। फिर देखें यहाँ पे बात हो रही है आयोडीन की, नंबर 53 है और 127 ओवरऑल मास दिया हुआ है, तो 127 में से 53 माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा 74। ठीक है, फिर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaCO2। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्ट ऑफ CO2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर, तो भाई ये हो जाएगा H2O। ठीक है, फिर विच ऑफ फॉलोइंग विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एयर। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट MCQs है, हर बार ही आ रही है NAD के टेस्ट में, आयरन पाइराइट। फिर देखो मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 ग्राम है, हम सबको पता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर 0.01 मोलर NaOH इन 100 cm³ सोल्यूशन। तो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि भाई सब कुछ तो देखो स्टैंडर्ड दिया है, 40 ग्राम है मास, ठीक है जी, आपको 1 लीटर चाहिए, लेकिन किसका, 0.01 का। तो 0.01 को अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दें आसान से चौपरे, ये आंसर आ जाएगा 0.40। फिर अगला कह रहे हैं 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज ट्रेटेड विद 0.5 मैग्नीशियम एट एंड पॉइंट द बुरेट रेटिंग विल बी 5 ml। ये पिछले पेपर में भी था और ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल है मैं अलग से सॉल्व भी करके दे रहा हूँ आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा भी। अंडर सिमिलर कंडीशन इफ M2O, NO, NO2, N2O5 आर अलाउड टू डिफ्यूज द गैस विच विल डिफ्यूज मोस्ट क्विकली इज। अब अगर इन सबको तेज होगी जिसका मास सबसे कम होगा, ऑफ कोर्स किसका होगा, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड का। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
तो भाई ये जो चीज़ है ना कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, देखो चाहे सरफेस टेंशन हो विस्कोसिटी हो, यार देखो दोनों चीज़ें डिक्रीज होती हैं अगर टेम्परेचर को हम क्या करें इंक्रीज करें। हम ऐसे एमसीक्यूज ही नहीं करेंगे बच्चों, सारे का सारा ना पूरा कॉन्सेप्ट रिव्यू करते रहेंगे। द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज, तो ये है कार्बोजोलिक ग्रुप। फॉर्मूला ज़ाइलिन इज C6H4CH3O। तो ज़ाइलिन का फार्मूला क्या होता है, C6H4CH3O2। ये है फार्मूला ज़ाइलिन का। कह रहे अमीनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट टू फॉर बॉडी ग्रोथ, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी सोर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो सभी सोर्स है, कौन सी एक नहीं है भाई, तो उसका आंसर है शुगर। ठीक है जनाब, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ये अलग। देखो ब्लीचिंग पाउडर कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद, हाँ जी ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वो रिजियस मिक्सचर ऑफ 3 volume of HCl एंड 1 volume of HNO3। CH4 रिएक्ट विद H2O गिव वाटर गैस CH4+H2O CO+3H2O। वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 when 1 cm। देखो बड़ा आसान है, 1 mole CH4 का H2 के 3 mole दे रहा है, तो इसके 100 volume होंगे, इसके 300 हो जाएंगे। शेप ऑफ CH4 molecule इज, तो भाई ये होती है tetrahedral। फिर 32 gram ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन, अब इसमें दो बातें देख लीजिएगा एग्जाम वाले टाइम, कि ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो 32 को 32 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बात ओटूपी हो रही है, तो 1 mole होगा। अगर खाली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो 32 को 16 से डिवाइड करेंगे, 2 mole होगा, और टेबल के हिसाब से ये आंसर बी हो जाएगा। चूँकि खाली ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब है बात ऑक्सीजन एलिमेंट की हो रही है। अब देखो ये ख्याल रखो, छोटी छोटी बातों से ना एक नंबर मिस हो जाता है। इसके बाद बच्चों कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज पोलरिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ कोवेलेंट इंक्रीज, विच ऑफ फॉलोइंग हैव नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई सब में ही जो है पोलर बन रहा है सिवाय किसके, H2 के। फिर सॉलिड KCl व्हेन डिसॉल्व इन वाटर का टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज एंडोथर्मिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। When 1 mole of compound is formed in 25 kilojoule heat release, तो जब 2 mole होंगे तो कितनी heat release होगी, 25 का double 50 होगी। फिर कह रहे हैं to whom the following credit for periodic table goes, Mendeleev। Ether का general formula ROR, strongest acid क्या होगा इनके अंदर, HI होगा। Nylon जो होता है ये क्या होता है, polyamide होता है। Sucrose किस पे मुश्तमिल होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 atmosphere इफ ऑक्यूपाई 400 ml एट 700 torr। तो देखो इसका करेक्ट आंसर 184 ml हो जाएगा। V1 हमारा हो गया भाई 400, P1 700 torr, P2 2 atmosphere, जिसे 760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये V2 आ जाएगा। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ किससे रिलेट हैं जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। ऑर ऑफ अल्मोनियम क्या होती है, बॉक्साइट। सॉलिड डायरेक्टली वेपराइज इनटू लिक्विड, ये चीज़ हमारी सप्लीमेशन कहलाती है, जिसका अपोजिट डिपोजिशन होता है। विच ऑफ फॉलोइंग गैस रॉटन लाइक H2S गैस, ये न्यूमेरिकल अलग से कर रहा हूँ 54, इसमें ये पूरा अलग से कराते हैं आपको। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंफर्म इलेक्ट्रॉन पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट इंक्रीज डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रान द प्रोडक्ट कैथोड, हाँ जी कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट आती थी हमारी, याद है आपको H2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा H2।